नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल वेयर में आपका स्वागत है। हर बार की तरह इस बार में मैं आपके लिए एक अच्छा प्रोडक्ट लेके आया हूँ। तो पहले तो जो भी यहाँ पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, आपको जैसा भी लगता है आप मेरे साथ ही आपकी कमेंट शेयर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। वीवो का खास V5S स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है जल्दी। तो इसकी सेल्फी होगी दमदार। चीन की मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी वीवो की अपनी अपने V5 सीरीज में एक नया स्मार्टफोन भारत में लॉन्च करने की तैयारी हो गई है। तो पिछले साल वीवो ने V5 लॉन्च किया था। इसके बाद इस साल वीवो ने V5+ स्मार्टफोन लॉन्च किया और अब वीवो लॉन्च करने वाली है वीवो 5S। इसको बाजार में पेश करने के लिए पूरी तैयारी वीवो ने कर ली है। फीचर्स की बात करें तो इसका वीवो V5S में 5.5 इंच HD डिस्प्ले, साथ ही साथ इस स्मार्टफोन में V5 की तरह ही MT6750 चिपसेट और 4GB रैम हो सकती है। कैमरे की बात की जाए तो इसमें 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिए जाने का अनुमान है। साथ ही साथ इसमें स्मार्टफोन 64GB की स्टोरेज हो सकती है, जिसे माइक्रो SD कार्ड मदद से 128GB तक बढ़ाया जा सकेगा। स्मार्टफोन में 3000mAh की बैटरी दी गई है। साथ ही साथ कनेक्टिविटी के लिए स्मार्टफोन में 4G LTE Wi-Fi, ब्लूटूथ GPS, 3.5mm पोर्ट और एक माइक्रो USB 2.0 का पोर्ट, ऐसे बहुत सारे फीचर्स में मौजूद है। ये फ़ोन एंड्रॉयड 6.0 मार्शमेलो पर आधारित होगा। वीवो V5S की डिस्प्ले मैंने आपको पहले ही बता दी है, 5.5 इंच का होगा। स्क्रीन साइज इसकी बहुत अच्छी है। ये फुल HD डिस्प्ले है जो कि 2.5D ग्लास डिज़ाइन टॉप में है। साथ ही साथ 4GB रैम मिलेगा आपको और इसके बैटरी 3000mAh की मिल जाएगी आपको। साथ ही साथ इसमें सेम वाला फीचर्स जो कि सोनी IMX376 सेंसर है वो वाला आपको इस 20 मेगापिक्सल के रियर कैमरा में मिल जाते हैं। जनरल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसकी लॉन्च डेट अभी तक ऑफिशियली बताई नहीं गई है, लेकिन एक्सपेक्टेड डेट है April 27, 2017। मॉडल नंबर आपको बता दूं कि ये V5S है। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 6.0 मार्शमेलो, सिम स्लॉट ड्यूल सिम है। साथ ही साथ GSM आपको दोनों अवेलेबल है। 4G इसमें अवेलेबल है, 2G है, 3G है। फिंगरप्रिंट सेंसर्स की बात करें तो सब इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर है और भी बहुत सारे सेंसर है। डिज़ाइन की बात करते हैं, चलिए हाइट इसकी 153.8mm है। विड्थ इसकी 75.mm है। थिकनेस की बात करें तो 7.5mm है। वेट इसका बहुत ही हल्का वेट का है, 154 ग्राम का ये है। बिल्ड मटेरियल इसका केस जो है मेटल का बना हुआ है, बैक भी इसका मेटल का है। कलर्स की बात करें तो गोल्ड, स्पेस ग्रे, रोज गोल्ड और मैटे ब्लैक, इन चार कलर में आपको ये अवेलेबल है। डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है इसका, गुड क्वालिटी का है। स्क्रीन साइज मैंने पहले भी बता दी है, 5.5 इंच की है। स्क्रीन रेजोल्यूशन इसको 720x1280 पिक्सल फुल HD का है। पिक्सल डेंसिटी इसकी देखे तो 267 PPI की इसकी पिक्सल डेंसिटी है। डिस्प्ले टाइप IPS LCD है। स्क्रीन रेजोल्यूशन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास टच स्क्रीन है इसकी, बहुत अच्छी कैपेसिटी। टच स्क्रीन मल्टी टच आपको मिल जाती है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इसका बता दूं मैं आपको, 71.65%। परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। चिपसेट इसकी मीडिया टेक MT6750, प्रोसेसर ऑक्टा कोर 1.5 GHz कॉर्टेक्स A53 के साथ, आर्किटेक्चर इसका 64-bit। ग्राफिक्स इसका है मालिक की 860MP2, 4GB रैम के साथ। बेस्ट इन क्लास स्टोरेज आपको इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि 64GB रैम का है। एक्सपेंडेबल आप करवा सकते हो अप टू 128GB। OTG सपोर्ट है इसको, USB OTG आप इसको सपोर्ट करता है, ये कनेक्ट कर सकते हो।
कैमरा बहुत अच्छा है इसका, रिजोल्यूशन 13 मेगापिक्सल के साथ आपको मेन कैमरा मिलेगा, तो फ्रंट कैमरा 20 मेगापिक्सल का मिलेगा, साथ ही साथ एलईडी फ्लैश आपको मिल जाएगी। इसमें आपको आईएसओ कंट्रोल शूटिंग मोड मिल जाएगा, एक्सपोजर कंपेंसेशन मिलेगा, कंटिन्यूअस शूटिंग मिलेगी, हाई डायनेमिक रेंज मोड जिसे हम HDR भी कहते हैं वो इसमें अवेलेबल है, डिजिटल जूम, ऑटो फ्लैश, फेस डिटेक्शन, टच टू फोकस, फ्रंट कैमरा, रेजोल्यूशन। और अब सेंसर्स की बात करें तो एक्समो RS, साथ ही साथ इसमें कैमरा में सेंसर्स भी है, 3000 mAh की बैटरी जो कि Li-ion की है, नेटवर्क कनेक्टिविटी भी इसके अच्छी है, फुली सपोर्ट 4G, 3G, 2G, VoLTE। तो इसमें दो सिम्स आप डाल सकते हो, टू स्लॉट इसमें अवेलेबल है। साथ ही साथ आप इसका ब्लूटूथ की बात करें तो 4.0 GPS इसका AGPS है, USB कनेक्टिविटी भी है इसको। इसमें आपको ऑडियो जैक आपको 3.5 mm का मिल जाएगा। स्पेशल फीचर्स की बात करें तो फिंगरप्रिंट सेंसर है, फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन भी इसमें बिल्कुल परफेक्ट सेट किया है, फ्रंट साइड में इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है। अदर सेंसर्स की बात करें तो लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर और कंपास, साथ ही साथ वायरोस्कोप जैसे आपको फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। तो ये वीवो का बहुत ही अच्छा बजट में भी काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है जो कि वीवो लॉन्च करने वाली है। तो इसके अनबॉक्सिंग भी मैं अपने वीडियोस में दिखाऊंगा, फिलहाल तो इसके जितने डिटेल्स मेरे पास है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को।